हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के 12th T20 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है पेशावर जालमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 23 फरवरी को इंडिया टाइम के साथ शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची पाकिस्तान में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। लास्ट रिसेंटली 5 मैच में क्या क्या परफॉर्मेंस रहा दोनों का। तो पहली टीम पेशावर जालमी की बात करें तो जहां पे 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है तो वहीं 2 मैच हार के आ रही है। अगर वहीं दूसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो 5 में से 3 मैच हार के आ रही है, 2 मैच विन करके आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बात करें तो लगभग दोनों का परफॉर्मेंस इक्वल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में तो जहाँ पे पेशावर जालमी 6 मैच जीत के आ रही है तो वहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मैच जीत के आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हेड टू हेड में भी पेशावर जालमी आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे पेशावर जालमी का 60% देखने को मिल रहा है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 40%। स्कोर की बात करें तो जहाँ पे पेशावर जालमी का 172 है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 164 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो पेशावर जालमी का 206 है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 199 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो पेशावर जालमी का 140 है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 105 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे भी पेशावर जालमी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसे रहेगी तो ओवरकास्ट रहेगी, 25 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो 60% रहने वाली है, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, तो इस पिच का फर्स्ट बैटिंग एवरेज स्कोर की बात करें तो जहाँ पे 180 बनने की संभावना है, वहीं अगर सेकेंड इनिंग में देखें तो सेकेंड इनिंग में 167 रन लग सकती है। वहीं अगर इस पिच पे देखें तो टोटल 20 मैच खेले गए हैं जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सर्फेस की बात करें तो यहाँ पे बॉलिंग करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है, वहीं बैटिंग करने वाली टीम को कम सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो वो मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रख सकती है, क्योंकि इस पिच पे डिफेंड में काफ़ी कम रन लग सकते हैं। वहीं अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे इजली वे में मैच चेस कर सकती है। तो ये रहे पिच की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो पहली टीम पेशावर जालमी की बात करें, नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। वहीं अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो पॉइंट टेबल में 3rd नंबर पर स्टेबल है। वहीं अगर दूसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, नो डाउट ये भी टीम काफ़ी अच्छी है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर इसके पॉइंट टेबल की बात करें तो ये 5वें नंबर पर स्टेबल है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, ज़बरदस्त भी होगी और जैकपॉट होने के भी संभावना है, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे ब्रिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम पेशावर जालमी के की प्लेयर की बात करें तो बाबर आजम, मोहम्मद हैरिस, उस्मान कदीर, रोमन पोवेल। वहीं दूसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के की प्लेयर की बात करें तो शादाब खान, कॉलिन मुनरो, पॉल स्टर्लिंग, फहीम अशरफ। ये रहे दो टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है और मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।